रूपों का शाय है, ये तो बहुत अच्छे अच्छे रूपों को लोभ का शाय में डाल दिया। हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, ये लोभ का शाय है। खाने में नमक ज्यादा पड़ेगा तो चलेगा? लोभ कषाय है भाई, लोभ कषाय है। यानी कि जो चीज मुझे इष्ट लगती है, अच्छी लगती है, वो लोभ है। और मैं चाहता हूं कि वो बनी रहे अच्छी मेरे लिए, या मिल जाए या हो जाए, ये सब लोभ कषाय का रूप है। अब मुझे आप ये बताओ कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हम लोभ के बिना करते? हम ब्रश करते हैं, वो लोभ कषाय है, क्योंकि मुझे इष्ट लगता है मुंह में एक क्लीन फीलिंग आना, तो मैं सुखी होना चाहता हूं, ये लोभ कषाय है क्या? नहीं नहीं, सुखी होना चाहता हूं, ये लोभ कषाय नहीं। अब ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आई। वो आत्मा का स्वभाव, क्योंकि वो तो मेरा स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो पर पदार्थ में इष्ट की इच्छा है, लोभ कषाय वो है। अब यहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर रही हूं, जो अभी यहां नहीं है पर आता है आगे पीछे इसी पुस्तक में। इस क्वेश्चन में आता है कि सुख क्या है, बिकॉज अगर सुख में हम पर से इष्ट करते हैं, देन दैट इज नॉट अ रियल सुख, राइट? प्रॉब्लम ही ये है। खुद टोडरमल जी की भाषा में, मैं यही पॉइंट टच करना चाह रही हूँ यहाँ पे, टोडरमल जी की भाषा में वो ये कहते हैं कि यदि मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ, सिंप्लीफाई होगा। यदि केवल ज्ञानी है, समझो एग्जांपल के लिए, सर्वज्ञ है, ठीक है, और वो सर्वज्ञ अगर अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, तो ये मान कषाय है क्या? नहीं, बात ख्याल है आपको? नहीं, मान कषाय नहीं है, मान कषाय, ये तो सम्यक दर्शन है, ये तो यथार्थ ज्ञान है, ये तो सच्चा श्रद्धान है। जो सर्वज्ञ है वो अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानेगा, वो मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? वो क्यों नहीं जानेगा, मानेगा, आचरण करेगा सब कुछ केवल ज्ञान रूप से, क्यों नहीं? आप बात ही नहीं समझ रहे हो, यही पॉइंट मैं आपको ख्याल कराना चाहती हूँ यहाँ पे। नहीं, आप बात नहीं समझे, मैं आप पे आती हूँ। चलो देखो, नहीं, आप अभी समझो, समझो 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 सुनो, आपके पास 50 करोड़ रुपए, आप ये मानो कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, तो सही है कि गलत है? सही है। कुछ पानी वानी, कुछ पानी सही है अगर है और मानते हो, तो प्रॉब्लम मेरे पास 50 करोड़ रुपए है और मैं अपने आप को ये मानूं कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चक्रवर्ती है वो बोले कि मैं चक्रवर्ती हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर बोले कहां कहां मैं चक्रवर्ती हूं, तो झूठ बोलता है। अगर चक्रवर्ती ये बोले कि मैं कौन सा चक्रवर्ती, मैं तो छोटा नाचीज हूं, तो तू झूठ बोलता है। मैंने समयसार पढ़ी है, मैं बोलूं कि हाँ मैं समयसार की ज्ञाता हूं, तो मैं मान कषाय हो गई है। आप बताओ मुझे, जो सत्य है उसको वैसा जानना, वैसा मानना, ये झूठ कैसे हो सकता है? ये कषाय कैसे हो सकती है? केवल ज्ञान में तो वो, तो केवल ज्ञान ही ये मानता है कि मुझे केवल ज्ञान है, ये फैक्ट है कि नहीं? वो फैक्ट है, तो वो फैक्ट को फैक्ट जानते हैं, तभी तो उनका ज्ञान सच्चा होगा ना। यदि केवल ज्ञान ही ये मानेगा कि नहीं मुझे कहां केवल ज्ञान है, ये फैक्ट है, ऐसा होना चाहिए। सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मान एंड अभिमान। नहीं, अब मैं बताऊंगी कि मान कषाय क्या है। मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं ये जानू ये मानू, तो इसमें मेरे मान कषाय नहीं है। क्योंकि मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे ज्यादा महान हूं, ये मानना मान कषाय। या क्योंकि मेरे पास 85 रुपए हैं और इसलिए मैं छोटा हूं, हीन हूं, ये मानना मान कषाय। दोनों ही तरफ है बात। क्योंकि मैं श्रुत ज्ञानी हूं, मति ज्ञानी हूं,
मैं तो इतना नहीं जानती हूँ, केवल ज्ञानी तो बहुत जानता है, श्रुत ज्ञानी मतलब जो श्रुत ज्ञानी मतलब समझते ना द्वादश अंक का ज्ञानी, श्रुत केवली तो बहुत जानते हैं, ये मानकश है। लेकिन मैं ये मानू कि मैं बस मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जितना है छह ऑप्शन उतना है, जितना जानते हैं उतना जानते हैं, इसमें क्या गलत है? तो केवल ज्ञानी भी यदि कल को ये मानते होते, ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि वितरागता पहले आती है और सर्वज्ञता बाद में आती है, समय भेद है, काल भेद है, तो इसलिए ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन यदि कोई केवल ज्ञानी अपने आप को केवल ज्ञान के कारण महान माने तो मान कषाय, केवल ज्ञानी अपने आप को केवल ज्ञानी माने तो मान कषाय नहीं। लेकिन वो मानता नहीं, क्यों नहीं मानते? वो उस अस्तित्व में होने के कारण उसको उसने मानने की कुछ आवश्यकता ही नहीं। नहीं, मानने का मतलब होता है श्रद्धा, और आत्मा का स्वभाव है कि कहीं ना कहीं, यही टोडरमलजी की भाषा में बोल रही हूँ, कि किसी ना किसी को अपना मानकर तो ये मतलब किसी ना किसी को अपना माने बिना ये रहता नहीं है। इसके श्रद्धान में कहीं ना कहीं एकत्व ममत्व होता ही है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं आई डोंट नो हु आई एम, ना ये मैं हूं ना वो मैं हूं, तू करता क्या है? तो जो जिसके लिए करता है वो मैं मानकर अपना मान के करता है। हाँ, तो वो आत्मा को मैं मानते हैं ना, ऐसा थोड़ी सत्य यथार्थ जो वस्तु का स्वरूप है उसको तो वैसा जानना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ज्ञान सम्यक कैसे कहलाएगा? मिथ्या दृष्टि है क्या हमारे केवली भगवान? तो सम्यक दर्शन क्या होएगा कि आत्मा ही मैं हूं ये जानना? तो आत्मा को तो मैं मानते हैं, वहां कहां गड़बड़ है? देखो मैं आपको एक बहुत लूज एग्जांपल दे रही हूँ, कुत्ते कौन पालते हैं मैक्सिमम? मतलब आई एम जस्ट जनरलाइजिंग, अब एक्सेप्शंस पे मत जाना यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल जिस आदमी के 8 बच्चे हों, कमाने के लिए उसके पास में एक ही वो खुद आदमी हो, पैसे लिमिटेड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, टाइम लिमिटेड हो, वो कुत्ता पाले तो कौन पालता है? आवश्यकता क्या होती है कुत्ता पालने की? मतलब व्हाई डू यू वांट टू हैव अ पेट एनिमल इन योर हाउस हु इज मोर देन अ चाइल्ड इन ऑल द सेंसेस? जिम्मेदारी, मेहनत, खर्चा एज वेल एज राग, ममत्व, ये वो एवरीथिंग काउंटेड। किसको आवश्यकता पड़ती है? जिसके जीवन में प्रेम तो है अंदर, राग तो पड़ा हुआ है, और उस राग को किसके प्रति समर्पित किया जाए उसकी कमी है। टाइम तो है, उस टाइम को कहां समर्पित किया जाए उसकी कमी है। साथ चाहिए पर साथ कौन को ले जाया जाए इसकी कमी है। कुछ कुछ गैप होता है तो आप उसको फुलफिल करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं तो गैप है इनमें से, यानी कि इसका राग इतना है इसे कोई मिलता नहीं। जिस आदमी के खुद के बच्चे नहीं होते हैं उसे अपने भाई के बच्चे, अपने बच्चे से बढ़कर प्रिय होते हैं, क्यों? खुद के हैं नहीं ना, इसलिए इतने प्रिय हैं। इसलिए वो अपनी जायदाद भाई के बच्चे को पूरी दे जाता है कि मेरे तो वैसे ही कुछ नहीं है। जिसके खुद के होते हैं वो थोड़ी फिर सारे के सारे भाई को दे जाएगा। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि जो ये ममत्व, जो श्रद्धान जो ये जीव में है, एक 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 गुण है श्रद्धान नाम का, कोई ना कोई इसको मैं मानने वाला चाहिए। कहीं ना कहीं के प्रति होता है राग या द्वेष, किसी ना किसी के प्रति होता है एकत्व ममत्व। अब अगर ये वस्तुएं, ये एकत्व ममत्व राग द्वेष, ये सही जगह पे हो तो कोई तकलीफ नहीं। यानी कि यदि मैं अपनी आत्मा को मैं मानूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें गड़बड़ नहीं है, इसमें इसकी वजह से दुखी नहीं हो सकते हो। तो गड़बड़ की वजह से ही तो दुख आता है, दुख क्यों आता है बताओ मुझे? जो सही है वो नहीं करते हो तो दुखी होते हो ना, जो सही करोगे तो उसमें दुख कैसे होएगा? आपके बहू के बच्चा हो तो आप खुश हो गए कि अपना माथा पीटोगे? खुश हो गए? और आपकी बेटी की शादी नहीं हुई और बच्चा हो जाए तो? कि बच्चा होना अपने आप में सुख का कारण है कि दुख का कारण है? सही व्यक्ति का सही रूप में सही वक्त पर हो तो खुशी का कारण है,
गलत का गलत वक्त पे गलत माहौल में हो तो दुख का कारण है। बच्चा अपने आप में सुख या गलत या सही नहीं होता है। तो ऐसे ही मान्यता अपने आप में हमारा स्वभाव है। मान्यता अपने आप में कुछ गलत नहीं होती है, सही नहीं होती है। क्या चीज सही गलत होती है? कि उस मान्यता में जो एकत्व बुद्धि जिसके प्रति तुम कर रहे हो, जिसको तुम मैं मान रहे हो, वो क्या, वो कौन है? तो वो कौन होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जैन होना चाहिए या जैन होना चाहिए? अरे वो हमारी मान्यता वस्तु के स्वरूप के अकॉर्डिंग जो है, अगर वैसी है तो सही है, और वस्तु के स्वरूप के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं पापी को पापी मानूं तो मैं सही हूं कि मैं गलत हूं? कि तुम तो क्रोध करते हो, तुम तो द्वेष बुद्धि रखते हो, तुम उसको पापी क्यों कह रहे हो? अरे पर पापी को पापी नहीं कहूंगा तो मैं झूठा। ये बात जब पांचवें अधिकार में टोडरमल जी अन्य मत का खंडन करते हैं, उस प्रकरण में आती है कि इनके ऊपर आक्षेप लगाया उन्होंने कि तुम बड़ी वीतरागता की बातें करते हो, तुम कहते हो कि राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। बोले असली संभावी तो हम हैं, दूसरे दर्शन वाले बोले, क्योंकि हम मानते हैं कि सारे धर्म एक समान है, और तुम बोलते हो ये झूठा वो झूठा, ये गलत वो गलत। तो वो टोडरमल जी पे आक्षेप लगाते हैं। टोडरमल जी ने खुद ही ये प्रश्न खड़ा किया, कोई असली में आक्षेप नहीं लगाता है, उनने खुद ही प्रश्न का फिर खुद ही उसका उत्तर दिया। तो उनने बोला कि यदि तुम मुझ पर यह आक्षेप लगाओ, तुम तो रागी द्वेषी हो और हम हैं समता भावी। हम तो जिस मंदिर में ले जाओगे वहां सिर नवा देंगे, हर एक को इज्जत देंगे, सबको सही मानते हैं, अल्लाह भी सही है, भगवान भी सही है, राम भी सही है, सब सही है, महावीर भगवान भी हमारे लिए सही है, हमारे भगवान भी हमारे लिए सही है, और तुम कैसे हो जैनी? तू झूठा, तू गलत, तेरे में ये गड़बड़, तेरी मान्यता में वो गड़बड़, तेरे में गृहित मिथ्यात्व, तेरे से नर, तेरे से निगोद। अब बोलो कौन यहाँ पे समता भावी लग रहा है आपको, और कौन रागी द्वेषी क्रोधी मानी, बताओ? जैन तो एकदम सही और तुम गलत, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? कषाय किसकी तीव्र है और कषाय किसकी मंद है और समता भावी है? कौन से गुरु बेटर लगेंगे आपको इन दोनों में से? जैनी तो ऐसे लगेंगे कि तुम बोलते हो वीतरागता मेरा धर्म है और तुम खुद राग द्वेष कर रहे हो, सबको गलत बोल रहे हो। एग्जैक्टली इसका जवाब टोडरमल जी ने ये दिया कि जो चीज जैसी है उसको वैसा बताना कैसे गलत हो सकता है? यदि तुम अनेकानवाद नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रेट फैक्ट है, सब दृष्टि से सब जने का सोचे तो भी सही है। नहीं है सही, क्योंकि उनने ये जवाब दिया कि पहली बात सत्य एक हो सकता है, राइट? यानी कि या वीतरागता सही हो सकती है या राग सही हो सकता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। या तुम वीतरागता का पोषण कर सकते हो या तुम राग का पोषण कर सकते हो। हम ये कैसे कह सकते हैं कि राग करना भी सही है और वितरागी रहना भी सही है? ये दोनों धर्म के मार्ग कैसे हो सकते हैं? मैं सुखी किस में होऊंगा, वितरागता में या राग में? कि राग में भी सुखी हो जाऊंगा, वितरागता में भी सुखी हो जाऊंगा, ये तो स्पष्ट झूठ दिख रहा है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब तुम्हारे जितने दुनिया के धर्म है, जितने धर्म को गिन लेना उतने धर्म को ऊपर से नीचे तक गिन लेना, वो अंततो गत्वा राग का पोषण करते हैं कि वितरागता का पोषण करते हैं? यदि तुम कहोगे राग का पोषण करते हैं तो तुम और मैं समान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो वितरागता का पोषण करता हूं। यदि तुम कहते हो कि हम भी वितरागता का पोषण करते हैं तो मैं कहूंगा तुम भी जैन हो, क्योंकि जैनत्व इसके अलावा और क्या है? तो अंततो गत्वा सत्य क्या हो सकता है? एक। और वो क्या हो सकता है? वीतरागता। हमारा कोई धर्म महावीर से नहीं है, कोई धर्म आदिनाथ से नहीं है, हमारा कोई राम से नहीं है, किसी से नहीं है, तो किससे है हमारा धर्म? वीतरागता।
क्योंकि हमारे अनुसार सुख की परिभाषा क्या है? निराकुलता। और राग खुद आकुलता स्वरूप, जितना राग करोगे उतनी आकुलता होगी, जितना कम राग करोगे, संसार में भी जो कम राग करता है वो अपेक्षाकृत कम आकुलता लिए नजर आता है। यानी कि आप बैठे हो और मैं बैठी हूं और मैं हर बात पे कर रही हूं, अरे जल्दी करो, ये लेट हो रहा है, ये हटाओ, इसको रखो, वो करो, और आप बैठे बोल रहे हो ठीक है हो जाए, रखेंगे, मैं भी रखूंगा, तुम भी वही बोल रही हो, मैं भी वही बोल रही हूं, कर लेंगे, हो जाएगा, आकुलता मत करो, कौन सुखी है, आपकी मैं। संसार के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों रागी, हम दोनों संसारी, लेकिन अपेक्षाकृत दोनों में सुखी कौन है? मुझे आपको क्या लगता है? अरे बोले बिना काम नहीं होता है, मैं कह रहा हूं ये करो, ये वो, आप समझ रहे हो ना? अरे सब करेंगे, एक एक काम उससे बेटर होएगा, जितना तो चिल्ला के कर रही है उससे ज्यादा अच्छा हम कर देंगे। शांति रख, आकुलता से नहीं होएगा कार्य, करने से होएगा ना, कर देंगे हम। अब ये दोनों में से कौन सुखी है मुझे बताओ? अपेक्षाकृत पूर्ण सुखी तो कोई नहीं है, अपेक्षाकृत जो आपको निराकुल, जो कम आकुलता में दिखता है वो लगता है ना सुखी। हम कह रहे हैं जिसको इतनी भी टेंशन, इतना भी बोझा नहीं है करने का, क्योंकि वो पूर्ण वितरागी है, इनको ये तो है कि ये करना है, ये हो सकता है 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद ऐसे हो जाए जब नहीं हो तो। लेकिन जितना जितना अपेक्षाकृत हम बात करते जा रहे हैं कि राग द्वेष जितना जितना बढ़ता है उतनी उतनी आकुलता बढ़ती है, राग द्वेष जितना जितना घटता है उतनी उतनी आकुलता घटती है, और आकुलता घटने का ही नाम सुख है। ये बात हमें संसार में भी स्पष्ट नजर आता है। तो निराकुलता, पूर्ण निराकुलता में पूर्ण सुख है, और पूर्ण निराकुलता पूर्ण वितरागी हुए बिना हो ही नहीं सकती। आप कर दो प्रूफ, कोशिश करके देखो कैसे हो सकती है। नहीं, अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं यहां पे, क्योंकि हमको शब्दशः बात नहीं माननी, हमको यहां से बात माननी है, अपनी मान्यता से बात माननी है। अब आप मुझे ये बताओ कि पूर्ण निराकुलता में ही पूर्ण वितरागता हो सकती है, और पूर्ण वितरागता में ही पूर्ण निराकुलता हो सकती है, कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि हमने ये देखा कि जहां राग होता है वहां विकल्प किए बिना हम रहते ही नहीं, आकुलता हुए बिना रहती नहीं। अब आप घटा लो जितने जितने उदाहरणों पे घटाना है, कपड़ा फटा, डिपेंड करता है मेरा उससे कितना राग था, 50 साल पुराना फटा हुआ पुराना कपड़ा जो मुझे ऑलरेडी पोंछे में देना था भाई को, वो फट गया, राग नहीं है, राग नहीं है, क्या नहीं था यहाँ पे, राग नहीं था, फट गया तो मुझे कोई आकुलता नहीं है, तो वैसे ही फेंकने वाली थी, मेरा था पर मुझे उसमें राग नहीं था बिल्कुल भी, और मैंने आज खरीदी 50,000 की ड्रेस और अभी ये चिर फट गई है। प्रॉब्लम कपड़े फटने की नहीं है, आकुलता फटने के कारण नहीं थी, राग के कारण थी। यानी कि राग से नहीं छूटोगे तो आकुलता से छूट ही नहीं सकते। अब हम कैसे सॉल्व करें राग को? इसलिए हमारा सारा फोकस आ जाता है राग के ऊपर, उसके बिना मेरा नहीं सकते। तो जैन धर्म पूर्ण वितरागता को ही सही मानता है, और पूर्ण वितरागता में ही सुखी हो सकता है। कुछ लिटाना या आराम करना है। तो हमारी बात क्या चल रही थी यहां पे, कि यदि केवल ज्ञानी अपने आप को केवल ज्ञानी मानते हैं तो वो मान कषाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप है। जो मैं राग करूं, यदि ये वस्तु का स्वरूप होता, स्वभाव होता, नेचुरल होता, तो उसमें मुझे आकुलता हो नहीं सकती थी और होनी चाहिए नहीं थी। लेकिन ये वस्तु के स्वरूप के अनुकूल नहीं है। कैसे अनुकूल नहीं है? क्योंकि कई लोग ये प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं कि खुद से भी तो राग हो गया ना, अगर आत्मा को मैं माना तो, वहीं आके आप केवल ज्ञानी पे अटक जाते हो।
कि केवल ज्ञान को क्यों मैं अपने आप को नहीं मानेंगे, वो श्रद्धान में क्यों हम उसको हटा देना चाहते हैं कि वो फिर खुद से राग हो जाएगा। खुद से राग, ऐसे राग नहीं होता है। तकलीफ क्या थी, यदि कि पर पदार्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता, कदाचित मैं ऐसा मान लेती हूँ, ठीक है, यदि वस्तु स्वरूप ऐसा होता कि मैं कुछ कर सकता हूं पर में और फिर मैं पर में कुछ करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मिथ्यात्व नहीं था, वो सम्यक। लॉजिक ख्याल आ रहा है? यदि मैं समझो ये टेबल को तोड़ सकती हूं और मैं जाके इसको तोड़ देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव है एक द्रव्य दूसरे का घात भी कर सकता है, उसका भला भी कर सकता है, मैंने कर लिया, तो इसमें गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो रॉन्ग कहां है? रॉन्ग ये है कि मैं कर नहीं सकता हूं और मैं मानता हूं कि मैं कर सकता हूं, तो जब मैं करने जाता हूं तो कितनी इच्छा के अनुरूप कार्य होते हैं? टोटल दुनिया में गिनना, आपने टोटल जितनी इच्छा करी उसमें आपने टोटल जितनी मेहनत करी उसमें से टोटल कितने कार्य हो जाते हैं आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, समझ गए ना? मेरी 50 इच्छाएं हैं, मैं हर एक के लिए पूरी मेहनत करती हूँ, टोटल कितनी इच्छाएं पूरी हो जाती है? तो आकुलता कब होती है कि जो चार के अलावा कितनी 46 इच्छाएं मेरी बाकी रह गई हैं, उनकी आकुलता मुझको बिजी रखेगी। यदि मैं इच्छा करूं कार्य हो जाए, इच्छा करूं कार्य हो जाए तो संसार भला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच्छा करो, कार्य पूर्ण करो, मेहनत करो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, यही सम्यक दर्शन है, यही सब कुछ सही है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तकलीफ शुरू हो गई कि मेरी इच्छाएं थी 50, क्योंकि एक द्रव्य पर द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के अकॉर्डिंग यदि मेरा उदय होता है पुण्य का तो एक दो चार कार्य हो जाते हैं, पापियों के तो एक भी नहीं होते। नारकी की कौन सी इच्छा पूरी होती है? एक भी इच्छा पूरी नहीं होती है। पेड़ की कौन सी इच्छा पूरी होती है? निगोदिया जीव की कौन सी इच्छा पूरी होती है? जो जितना पापी होता है उसकी उतनी इच्छाएं पूरी नहीं, जो जितना पुण्यात्मा होता है उसकी उतनी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति आपके पुरुषार्थ से नहीं हो रही, आपके पुण्य से हो रही। और पुण्य किसी जीव का कितने काल तक रह सकता है कि साधक 2000 सागर में जब तू बहुत पुण्यात्मा जीव माने देवगति या कोई ऐसे सिलेक्टिव पर्याय में पहुंचता है जहां थोड़ा उदय में आ जाता है पुण्य, तो वहां उतनी लिमिटेड चीजें, इच्छाएं हमेशा पुण्य से ज्यादा ही रहेंगी, तो वो लिमिटेड चीजें उतने काल के लिए खाली पूरी होती। तो अब इसको मैंने मिथ्या दर्शन क्यों कहा, आप इस शब्द पे जाना मिथ्यात्व, इसको मिथ्या दर्शन हमने इसलिए कहा क्योंकि ऐसा होता नहीं है पर मैं ऐसा मानता हूं, मेरे करने से दुनिया में कार्य होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, इच्छा पूरी होने से सुखी आदमी होता नहीं है, क्योंकि चार ही इच्छा हो और पूरी हो जाए तो मैं परम सुखी हो जाऊं, लेकिन इच्छा हमेशा प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1000 रहती है ऑफ वॉट एवर यू गेट। सो द रिजल्ट एट द बॉटम लाइन इज कि जो वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा माना तो मेरा ज्ञान सही है, सम्यक है। जो वस्तु का स्वरूप नहीं है हमने वैसा माना तो मेरा ज्ञान गलत है। इसलिए जैन दर्शन एक साइंस है, साइंस जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताता है, दिस इज साइंस। अब अगर मैं वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ जहां हम लोक कषाय की बात कर रहे थे और हम केवल ज्ञानी के केवल ज्ञानी होने की बात कर रहे थे, तो केवल ज्ञानी अपने आप को केवल ज्ञानी माने तो गलत नहीं, 50 करोड़ रुपए वाला मेरे पास 50 करोड़ रुपए माने तो गलत नहीं है, गोरा सुंदर आदमी है कामदेव अपने आप को कामदेव माने तो उसमें मिथ्या नहीं है, सही है। इसलिए सही है क्योंकि जो है वो बता रहा है। मान कषाय तब होती है जब वो उसके कारण अपने आप को ऊंचा और अन्य को हीन समझता है। इसलिए टोडरमल जी ने बोला कि यदि मैं कहता हूं कि ये धर्म वाला राग का पोषण करता है इसलिए ये गलत है, तो मैं द्वेष पूर्वक नहीं कहता हूं, जो वस्तु का स्वरूप है मैं तो वो बताता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाएगी, अग्नि से द्वेष पूर्वक कहता हूं,
अग्नि गर्म है, मैं उसका स्वभाव बता देता हूँ। तुम कहते हो नहीं, अग्नि भी एक है, पानी भी एक है, हवा भी एक है, तो ऐसे एक कैसे हो जाएंगी? तो मिथ्यात्व हुआ ना एक बोलना, तुम्हारे संभाव में मिथ्यात्व, और हमारे जो तुम्हें प्रतीत होता है कि हम कषाय पूर्वक कहते हैं, हमारे अंतरंग में ऐसा थोड़ी है कि ये क्योंकि गलत धर्म है या गलत बात का पोषण करते हैं तो इनका मोक्ष नहीं होएगा, हम तो ये नहीं मानते। हम उस व्यक्ति को गलत नहीं बोल रहे हैं, हम उस बात को गलत बोल रहे हैं, पापी को गलत नहीं बोल रहे हैं, पाप को गलत बोल रहे हैं। जो हत्यारा है उसको हत्यारा बोल दिया तो मैंने क्या गलत किया? लेकिन हत्या करने के कार्य के कारण तू हत्यारा बना है। आदमी को हम थोड़ी बोल रहे हैं कि वो अनादिकाल से अनंत काल तक हत्यारा ही रहेगा। तू भी सही बात को मान ले तो तू भी सही हो जाएगा। तो इसलिए गलत बात को गलत कहना और मानना, सही बात को सही कहना और मानना, ये राग द्वेष की श्रेणी में नहीं आता। राग द्वेष पूर्वक कहा जा सकता है उस बात को। अग्नि को मैं गर्म कहते हुए द्वेष पूर्वक भी कह सकती हूँ। कैसे कह सकती हूँ? क्या मुझे अग्नि की गर्मी से द्वेष हो सकता है? हो सकता है ना। द्वेष करने वाले को तो कोई भी द्वेष हो सकता है। कैसे? अग्नि तू गर्म है, तेरे कारण मेरे हाथ जल गया था, इस घर से अग्नि को समाप्त करो। द्वेष हो सकता है वस्तु के स्वरूप में, पर डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे ट्रीट कर रही हूं। भाई तू विधर्मी है, तू म्लेच्छ है, निकाल जाओ, इनको निकाल दो यहां से, हमारा देश म्लेच्छों से रहित हो जाए, ये द्वेष। लेकिन जो अंडा मांस मच्छी खाते हैं, वो गलत आचरण करते हैं, वो गलत है, ये कहना द्वेष नहीं है। आपको इन दोनों में फर्क ख्याल आ गया जो मैं बता रही हूं? वस्तु का स्वरूप बताना गलत नहीं है। मैं अपने बच्चे को ये संस्कार दूंगी कि ऐसे लोगों से हमें रिश्ता नहीं जोड़ना जो मांस मच्छी खाते हैं। तेरे लिए लड़का ढूंढेंगे तो ऐसा ढूंढेंगे जो शुद्ध सात्विक खाता होएगा। क्यों? तुम तो द्वेष बुद्धि कर रहे हो नॉनवेज खाने के प्रति अपने बच्चे के दिमाग में। अब ये गलत है कि सही है? मुझे लोग गलत भी बोलते हैं, वो बेचारा दुनिया में जिएगा कैसे? अरे आपने ये नहीं समझा कि मैंने उसे क्या समझाया? मैंने ये नहीं बोला कि जो मांस मच्छी खाते हैं उनके साथ में तुम बात मत करना, स्कूल मत जाना, कि वो निकृष्ट हो गए, नरकगामी हो गए हमेशा के लिए। ये थोड़ी बोला मैंने, द्वेष थोड़ी उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया मैंने उसमें? मैंने उसे उपादेय बुद्धि हटाई कि कल को तू बोले कि मुझे तो इससे प्यार है, मैं तो इससे शादी करूंगी, उससे संबंध नहीं जोड़ना, कि मैं तो उसके घर जाके खाना खाऊंगी, कि मैं उसके साथ टिफिन शेयर करूंगी, कि हम नहीं कर सकते हैं, जिसके टिफिन में चिकन है उसके साथ हम कैसे टिफिन शेयर कर सकते हैं? ये द्वेष नहीं है, ये मैं उसे फैक्ट समझा रही हूं। क्योंकि बच्चे को कहां पता कि क्या चिकन में है और क्या है और इसके टिफिन में खाने से क्या हो जाएगा? समझाना तो पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा? तो ये द्वेष है, ये वस्तु का स्वरूप बताए कि तेरे दोस्त बुरे नहीं है, पर वो जो ये गलत चीज खा रहे हैं उसमें हिंसा है, वो चीज छुई हुई हमें तो नहीं सुहाती है, इसलिए उनसे बोलो कि या तो कल से वो भी अच्छा लाए या फिर तुम अपना अलग रखो। शुद्धि तो अपनी कायम रखो, उस चम्मच से तो उस टिफिन में तो नहीं खा सकते हो। तो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो समझना बहुत जरूरी। ये डिफरेंस में हम इतने कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, शरीर को अनित्य बताते हैं, अशुचि बताते हैं, ये शरीर से द्वेष करने लग जाते हैं। हम वितरागता समझाते हैं, ये द्वेष करने लग जाते हैं। हम या तो आधी चीजों में वितरागता समझाते हैं तो राग करने लग जाता है, या आधी चीजों में द्वेष बताते हैं तो वितरागता बताते हैं तो द्वेष करने लग जाता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? वृत्ति में ही खोट है ना। रागी द्वेषी जीव को जहां ले जाओगे वो एक्सट्रीमली रिएक्ट करेगा। बात आपको ख्याल आई? जिस आदमी में बहुत तेज तेवर वो या कोई चीज को पसंद करेगा तो बहुत पसंद करेगा और हेट करेगा तो बहुत हेट करेगा। एक कौन सी मूवी का डायलॉग है, मैंने ट्रेलर में टीवी पे देखा था,
कि जो बहुत शिद्दत से नफरत कर सकता है वो ही बहुत शिद्दत से प्यार भी कर सकता है एंड वाइस वर्सा. मतलब उसका जो भाव था वो सही था. क्या सही था? कि तीव्र कषाय जिसकी होती है वो राग रूप हो तो तीव्र होती है और द्वेष रूप हो तो तीव्र होती है. क्यों? क्योंकि तेरी कषाय तीव्र है. आपको बात चला है तो अच्छा क्या है, राग ज्यादा करूं कि द्वेष ज्यादा करूं, कि दोनों ही बुरा है? देखो एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत लौकिक बात बता रही हूँ, सेंसिटिव है लेकिन बता रही हूँ, कि आपकी बहन को, आपकी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाए जो उसके प्यार में ऐसा पागल है कि मरने मारने तैयार. समझ में आ रही है आपको बात? वो बोले मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, खुद मर सकता हूँ, अपने हाथ काट सकता हूँ, रो सकता हूँ बिलख के, इतना प्यार करता है आपकी लड़की से. वो लड़का उस लड़की के लिए अच्छा है कि बुरा है? इतना प्यार करने, सब चाहते हैं कि मेरी बच्ची को प्यार करने वाला पति मिले. बात सेंसिबल की नहीं है, कि इसकी बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता है वो कदाचित, कि तीव्र कषाई जीव है ये. जिस दिन इसकी जितना राग कर रहा है उससे जिस दिन उसको उसी को मार दे, एक प्रतिकूलता हुई तो देरी नहीं लगेगी ये तीव्र कषाय को, खुद को नष्ट कर देगा, इसको नष्ट कर देगा, घर को नष्ट कर देगा. ऐसा प्यार भी अच्छा नहीं है. इतना प्यार करने वाला पति नहीं चाहिए हमें ना इतनी प्यार करने वाली पत्नी चाहिए, ना इतना प्यार करने वाले माँ बाप चाहिए. माँ बाप पे तो हर आदमी अंगड़ी हो जाएगा. इतने प्यार करने वाले माँ बाप चाहिए आपको? खाया कि नहीं? क्यों नहीं खाया? कितना खाया? कैसे? मम्मी जी लूंगा, बड़ा हो गया कर लूंगा. कि लिमिट है, हमें प्यार भी इतना नहीं चाहिए, ना हमें द्वेष इतना चाहिए, ना हमें राग इतना चाहिए. राग भी बहुत खतरनाक है, एक तीव्रता इनकी खतरनाक है चाहे किसी भी रूप में हो. और इनकी मंदता ही थोड़ी थोड़ी निराकुलता मुझे रिलेटिवली यहां पे लेके आती है. इसलिए हमें ये जानना कि ये कोई भी कषाय हो, किसी भी प्रकार की हो, क्रोध रूप हो, मान रूप हो, माया रूप हो या लोभ रूप हो, कषाय कषाय. लोभ अच्छी चीज के प्रति होगा तो भी बुरा है, और बुरी चीज के प्रति हो तो बुरा है ही. तो ऐसे ये लोभ कषाय के वशीभूत ये क्या करता है कि लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता. तो मैंने आपको बताया कि इसका स्कोप कितना वाइड है इष्ट मानने का. अब आया वस्त्राभरण, यानी कि कपड़े, शॉपिंग करना लोभ. आभरण यानी ज्वेलरी, एसेसरीज लोभ. धन, पैसा. धान्य, जो गेहूं खरीद के रखते हो ना घर में ये है जो स्टोर करते हैं, धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा हो. जो अचेतन पदार्थों के प्रति प्रेम है ये भी लोभ है. तथा स्त्री पुत्रादिक, अपनी पत्नी, पति, माँ, बाप, बच्चों को चाहना, ये लोभ है. ये लोभ है. ममता, अच्छे अच्छे स्नेह, वात्सल्य, जो हम ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम देते हैं ना, ये सारे नाम क्या हैं? ये लोभ है. चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे कर्म के प्रति हो, चाहे लेजिटिमेट हो, चाहे इललेजिटिमेट, ये सब लोभ के रूप है. चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, उसमें भी उन्होंने वर्ड तृष्णा यूज किया, इसलिए सबकी तृष्णा होती है. तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है. यानी लोभ व्यक्ति का खाली नहीं है, उसकी पर्याय का भी है. जैसा मैंने पिछली बार बोला था ना कि सिर्फ पत्नी नहीं चाहिए, कैसी पत्नी चाहिए कि जो रोज मुस्कुराए, अच्छे से बात करे, तीखा नहीं बोले, दिमाग नहीं खाए, मतलब समझ गए ना, डिमांडिंग नहीं हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि. एक चीज नहीं, कंटिन्यूअसली हमारे अकॉर्डिंग चलता रहे, तो उसके परिणमन भी हमारे अकॉर्डिंग हो, इसका भी इसको लोभ रहता है पूरे टाइम. इस प्रकार वापस ये उनका पंच लाइन जो बहुत ही बढ़िया है कि लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन. अब मैं मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, मरे जा रहा हूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, होगा कि नहीं होगा
करूं कि नहीं करूं, कि जो पुरुषार्थ कर रहा है वो कर, महाआकुलता मत कर, डू योर ड्यूटी. वाई? क्योंकि तुझे विकल्प आ रहा है ना, इसलिए ड्यूटी कर. इसलिए नहीं क्योंकि तेरी ड्यूटी से सामने वाला सुधर जाएगा. क्यों कर रहा हूं मैं अपनी ड्यूटी? क्योंकि मेरे को कीड़ा है, मुझे विकल्प है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे उसकी आकुलता है, मुझे उसके प्रति राग आ रहा है. तो तू अपनी ड्यूटी निभा. और फिर मेरे को आकुलता है कि हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, तुझे क्या मतलब? होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं. इस प्रकार क्रोधादिक उदय से आत्मा परिणमित होता है. अब ये चार कषायों के बारे में बता रहे हैं. कौन सी चार कषाय? हम कौन सी चार कषाय जानते हैं? यहाँ पे उनके बारे में नहीं बता रहे. ये बता रहे हैं कि जो क्रोध मान माया लोभ, एक्चुअली चार कषाय नहीं होती है, 16 कषाय होती है, राइट? तो अनंतानुपंथी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संचुलन. इनमें से तीव्र कौन सी होती है और मंद कौन सी होती है? रॉन्ग. ये तीव्र मंदता के भेद नहीं है, ये जाति के भेद है. यानी कि संजुलन में भी किसी की कृष्ण लेश्या हो सकती है. लेश्या तो आपको याद होगी ना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल. ऐसे 6 लेश्याएं होती हैं, वैसे तो अनंत होती है, लेकिन इनको ब्रॉडली 6 कैटेगरी में किया है. जो इनका कलर वैसे इसके भाव तीव्रता में. जैसे जो निगोदिया जीव होते हैं, ये जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, ये कापोत लेश्या और कृष्ण लेश्या में ही रहते हैं. ये कृष्ण नील कापोत में ही रहते हैं मैक्सिमम, उसमें भी और कृष्ण और नील में बहुत ज्यादा रहते हैं. कौन से जीवों की बात कर रही हूँ? एकेंद्रीय जीवों की. क्योंकि ये तीव्रता है कषाय की, तीव्रता. आप समझ रहे हो कषाय की तीव्रता? आपको ध्यान है मैंने इसका उदाहरण भी शायद एक बार दिया था कि वो आप बहुत भूखे हो, ऐसे 6 लड़के थे, वो बहुत भूखे थे और वो एक जंगल में पहुंचे, उनको एक आम का वृक्ष नजर आया. तो अब उसमें वो क्या करेंगे? पहली बात तो 6 के 6 बहुत भूखे थे, समझो 4 दिन के भूखे थे. अब इस परिस्थिति में जो कृष्ण लेश्या वाला था, उसके दिमाग में क्या आया? तेज भूख लग रही है, इस पेड़ को उखाड़ो, काटो, फटाफट ये आम को बैठ के खाओ. जो नील लेश्या वाले था, उसके दिमाग में क्या आया? कि ये जो इसके इतना बड़ा सा ये टहनी है, वो ट्रंक है, तो ये ट्रंक जो उसमें से वो मेन जो ब्रांच निकलती है, समझ गए आपको, जिसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस होती है, ये पूरे डाली, डाली भी मतलब वो पतली वाली छोटी डाली नहीं, वो मेन जो बड़ी वाली, इस पूरे को तोड़ो और सारे गुच्छों को आराम से बैठ के खाओ. तीसरा जो लेश्या वाला है, कपोत वाला, वो क्या बोलता है कि ये पूरा जो इतना दिख रहा है गुच्छा, इस पूरे को तोड़ो और आराम से बैठ के खाओ. ये तीनों डिस्ट्रक्टिव है. एक ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, एक कम डिस्ट्रक्शन करता है, पर डिस्ट्रक्टिव है. काम इतना सा हो, नष्ट सब कुछ कर देंगे. हमारे में कैसे ऐसी लेश्या वाले, मैं बताऊं आपको, एक मच्छर ने काट लिया. अब आप पता है क्या करोगे? कृष्ण लेश्या वाले हो गए तो मैं आज ही मेयर से बात करता हूं, पूरे बॉम्बे में पेस्टिसाइड हो जाना चाहिए, एक मच्छर नहीं बचना चाहिए. एक मच्छर ने बेचारे ने आपको काट लिया, पूरे बॉम्बे में पेस्टिसाइड हो जाना चाहिए. एक मच्छर कहीं नहीं, कोई स्टेल वाटर नहीं, कल से न्यूज़पेपर ऐड दे दो, ये कर दो, वो कर दो. कृष्ण लेश्या नष्ट कर देगा. मेरी प्रेमिका मर गई तो मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना डायलॉग. कृष्ण लेश्या का काम है ये. आप पुराणों को निकालो, इसने मेरी बेइज्जती करी. कोई एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ पे पता चला, उसने मेरी ऐसे मेरे बारे में कहा, सेना लेके चलो उन सबको, पूरे राज्य को जीत के आऊंगा मैं, उनकी मान को दिखाऊंगा. मान कषाय में तीव्रता. एक अपमान किया तो पूरे राज्य को जीतो, उस राज्य को जीतने में हजारों सैनिक मारे जाएंगे, कितनी तीव्र कषाय होगी, कितनी हिंसा होगी. कोई बात नहीं, तुम खुद भी हार सकते हो, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मान के बिना जिंदा रह के क्या फायदा है, लेकिन जो भी हो हम लेके आएंगे. जो सीता को रावण ने नहीं दिया, मान कषाय की कृष्ण लेश्या ही तो थी. मरो मारो जो करो, वापस दे दूंगा, छूंगा नहीं,
लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मान कछाएगी तो कृष्ण लेशिया में बता रही हूँ कि आप सोचोगे ऐसा कौन आदमी होता होगा जो पूरा पेड़ ही तोड़ दे एक आम के लिए, हमें तो बेवकूफ लगता है। होते हैं ऐसे बेवकूफ भैया, ऐसे बहुत भर भर के हैं बेवकूफ। एक आदमी को अपनी शराब की दुकान चलानी है तो वो पूरे उसका एसोसिएशन का हेड बनकर बोलता है कि पूरी कंट्री में चलनी चाहिए शराब, क्यों? क्योंकि इसका ये फायदा है वो फायदा है ना, ऐसे लोग आज। एक अपना बूचड़ खाना और एक उसकी जेब भरनी चाहिए, उसके लिए सारी जगह पे सब होता रहना चाहिए, सारी पॉलिसीज हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। जो ये नेता टाइप के लोग होते हैं ना सारे, जितने पावरफुल हो, इन सबकी कृष्ण निष्ठा के बिना नहीं हो सकते, क्योंकि अपने एक इतने भले के लिए सब करने तैयार है। देश जाए, हमारी मिलिट्री जाए कचरे में, लेकिन मेरे घर में 2-5 करोड़ आ जाए, कृष्ण निष्ठा का काम नहीं है ये, है ना? कृष्ण लेशिया नजर आती है, सारे टेररिस्ट ही कृष्ण लेशिया में नहीं दिखते हैं आपको? खुद फट जाऊंगा, अपने साथ में 100 को लेके जाऊंगा। कृष्ण लेशिया एक एक चीज की पूर्ति के लिए इतनी तीव्रता के पूरा पेड़ उखाड़ दूंगा, तो हो गई कृष्ण लेशिया। नील हो गई और कापोत हो गई, डिस्ट्रक्शन सब करते हैं। अब वही अगर मैं मच्छरों की बात करूं तो आप बोलो कि भैया अपने मेयर वेयर तक तो नहीं चलती है बंबई के, लेकिन मुझे मच्छर ने काटा, सोसाइटी का हेड तो मैं हूं, तो हमारे 500 घर की सोसाइटी में पेस्टिसाइड हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे को एक मच्छर ने काटा है। ऐसे आपको बिल्डिंग में लोग मिलते होंगे, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में नीचे जाते हैं कि आज यहाँ पे ये मुझे ये कैसे दिख गया, ये चूहा निकल रहा था गार्डन में, पूरी बिल्डिंग में ट्रैप लगवा दो। होते हैं ना ये नील लेशिया वाले हो गए। कापोत लेशिया वाले कैसे हो गए? मेरे को मच्छर ने काटा है, घर में पेस्टिसाइड करा दो। तुमको तो एक नहीं काटा था, तो पूरे घर के मच्छर मारने, मतलब अपने अपने लिमिट में डिस्ट्रक्शन करते हैं। फिर कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, तो अब जो ये पीत लेशिया वाला है वो क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, मैं खाली जो ये गुच्छा है, इस गुच्छे में 6 आम है, इसको यूं तोड़ूंगा और खा लूंगा। भूख तो बहुत तेज लग रही है पर पेशेंस है उसमें कि वो जाएगा गुच्छे को तोड़ेगा, जितना उसको आम खाना है सिलेक्ट करेगा कौन सा पका हुआ गुच्छा है, उसमें 8-10 आम 6-7 आम होंगे, वो गुच्छा तोड़ेगा और खा लेगा। किया इसने भी गलत काम, लेकिन इसने अपने लिमिट की पूर्ति तक किया। पद्म लेशिया वाला क्या करेगा? एक आम खाना है, एक आम तोड़ लेता हूं, दूसरा आम खाना है, दूसरा आम तोड़ लूंगा, फालतू में 50 आम को क्यों तोड़ूंगा, उस गुच्छे में 2 कच्चे 6 पके हैं, उन सबको क्यों तोड़ूंगा, अपना एक आम तोड़ता है और काम कर लेता है। शुक्ल लेशिया वाला बताए क्या करेगा? भूख से मरे रहा है, मरे जा रहा है भूख से, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, आम दिख रहे अच्छे अच्छे, ये दिख रहा है, ये तोड़ रहा है, ये काट रहा है, ये कर रहा है, पर ये आदमी में इतनी मंद कषाय है कि भाई पेड़ से एक भी आम तोड़ूंगा तो पेड़ को तो कष्ट होएगा ना, भले ही मैं मरे जा रहा हूं लेकिन मुझे एक आम चाहिए, मैं इंतजार करूं। यदि एक आध गिर गया, गंदा हो गया, थोड़ा दब गया, थोड़ा ये कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, एडजस्टिंग नेचर है उसका, कोई बात नहीं, मच्छर काट रहा है तो मैं क्या करूंगा कल से कि मच्छरदानी में अंदर जाके बैठ जाऊं, ना मच्छर को कष्ट हो ना मुझे कष्ट। अजय लेशिया रहे तो ये वो क्या करेगा? वो तो उसको अब कोई लेना देना ही नहीं है पर से। लेशिया रहित कौन होते हैं? सिर्फ केवली भगवान, सिर्फ हमारे अरिहंत हैं, उनके भी सूक्ष्म किसी अपेक्षा शुक्ल लेशिया कह दी जाती है पर वो उपचार से है, वो है लेशिया रहित। यानी कि संसारी जीवों में कोई भी हो, आप बिना लेशिया के तो नहीं। तो ये जो मैंने लेशियाएं बताई, ये किसका भेद है? तीव्रता और मंदता का। अब मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताती हूँ कि संजुलन कषाय में भी कृष्ण लेशिया हो सकती है। नहीं बात, पहले मैं आपको चारों कषाय समझाऊं। एक संजुलन का हिंदी का क्या शब्द होगा? दूसरा पर्यायवाची। पर्यायवाची तो देखो ये टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स है, इनमें पर्यायवाची नहीं करा जाता है, पर शब्द का क्या अर्थ निकलता है वो मैं आपको समझा सकती हूँ संस्कृत की अपेक्षा से। ठीक है, तो वो मैं आपको चारों का बता दूंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको 6 लेशियाएं समझाई, अब ये 4 कषाय समझाऊंगी और फिर इन दोनों का मैचिंग होके क्या बनता है वो बताऊंगी। आज हम ये विषय पूरा करेंगे इतना। यस वेलकम। तो जो अनंतानुबंधी कषाय है,
इसमें क्या अर्थ निकल रहा है, अनंत संसार का जो अनुबंध करती है यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसका नाम है अनंतानुबंधी कशा। सारे मिथ्या दृष्टि संसारी जीवों में चारों ही कषायें हैं, यानी कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजन। तो हमारे में जो सबसे मुख्य जिसका हमें दिखता है फंक्शन वो है अनंतानुबंधी कषाय का, जो क्या इंश्योर करता है कि आपका मेरा इनका जो भी जितने मिथ्या दृष्टियां नजर आए उन सबका अनंत संसार का अनुबंध करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको इसका उदाहरण, कि आप में कितना पैसे का लालच है, चलो मैं पूछती हूँ कि मतलब आई कैन थिंक ऑफ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतना ही है, अनंत का तो नहीं है ना? नहीं, अनंत का नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतना हो जाएगा तो बहुत है ना आजकल, चलो ठीक है वर्ल्ड का टॉप बना देना बस, आई एम हैप्पी, मुझे चक्रवर्ती वगैरह का इतना नहीं है, बस मेरा ना वो फोर्ब्स लिस्ट में आ जाए क्या टॉप रिचेस्ट मैन वुमेन ऑफ द ईयर तो भी चलेगा, इतना ही है आपका, अनंत नहीं हुआ ना, फिर भी अनंत नहीं हुआ, अनंत कैसे है मुझे ये बताना है कि अगर कल आपको पता चले कि आपके चक्र रत्न प्रकट हुआ है, आप यू आर द नेक्स्ट चक्रवर्ती, आप क्या करोगे, ठोकर मारोगे? इसका मतलब है कि गरीब इतने हैं ना हम कि वो भिखारी से यदि बोले कि राजा मांगते को क्या मांगना है, एक महीने तक मुझे खाना मिल जाए मनपसंद, तेरी सोच नहीं जा रही है, इच्छा कम है इसलिए नहीं, कि तेरी सोच नहीं जा रही है कि तुझसे तू चिंतामणि रत्न मांगता वो दे देता, लेकिन तुझसे मांगा जाता है एक महीने का खाना, खजाना नहीं खाना, वो भी तो हमारी इच्छा अभी हमें लगती है कि कम है, आपको कितने कपड़े चाहिए, नहीं ऐसे पूछ रही हूं कितने कपड़े आपको मिलेंगे तो चलेगा, 100, 200, जयललिता का वार्डरोब, मतलब कितने, हमें लगता है कि मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, पर असली में हम अगर अपने अंतरंग में देखें तो अनंत का लालच पड़ा हुआ है मेरे, कोई लिमिट नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है हमारी इच्छा, आप कितने सुंदर बनना चाहते हैं, कितने ताकतवर बनना चाहते हैं, कितने निरोगी बनना चाहते हैं, एक एक चीज के बारे में सोच लेना, तो अनंतानुबंधी कषाय है वो अनंत संसार का अनुबंध करती है, हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, मुझे कोई चक्रवर्ती पद दे दे तो चलेगा, सोलवेस वर्ग चलेगा, उससे ऊपर जाना है, सरार सिद्धि भेज रहे हैं हम तो चलेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, चलेगा मतलब मना कौन करेगा, मतलब कि अंदर में इच्छा सुप्त रूप से है मेरा, ये हो गया अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी में कृष्ण लेशिया भी हो सकती है और शुक्ल लेशिया भी हो सकती है, शुक्ल लेशिया भी, आप समझ रहे हो, इतनी बंद कषाय दिखे तो भी वो अनंतानुबंधी है, अनंत संसार में रहेगा और अभव्य भी हो सकता है, अभव्य के भी शुक्ल लेशिया हो सकती है, so you should not cheer because शुक्ल लेशिया है मेरी, you should cheer if अगर आपके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल्स है वो मंद कषाय में बहुत हाई होते हैं और तीव्र कषाय में लो होते हैं, but more people like us here because we have understood कि कषाय कम अच्छी है, तो जैसे मैंने बताया ना मैं बहुत आकुलता कर रही हूँ, ये बहुत शांत बैठे हुए हैं, तो हमें क्या लगता है इनकी मंद कषाय है इसकी तीव्र कषाय, राइट? एक्चुअली में पता है क्या हो सकता है, हो सकता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि है, हो सकता है मेरे अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण की तीव्रता में आकुलता है और इनके अनंतानुबंधी में शुक्ल लेशिया चल रही है, दैट इज पॉसिबल, मैं इसको और इलेबोरेट करूंगी चारों समझाने के बाद, ठीक है? अनंतानुबंधी सबको समझ में आ गया, अनंतानुबंधी में कृष्ण से लेके शुक्ल तक कोई भी लेशिया हो सकती है। अब अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान बोलते हैं त्याग को, याद है अपने समय साथी का था, ध्यान ही प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान मीन्स त्याग, अप्रत्याख्यान यहाँ पे अ वर्ड किंचित के सेंस में, ईशत किंचित थोड़ी, अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा भी त्याग पे आवरण किए हुए ये कषाय,
यानी कि अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनसे मैं बोलूं अनुव्रत धारण कर लो तो कर लोगे? मैडम आपने किए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अनुव्रत क्यों नहीं धारण किए? हमारे शिक्षा व्रत क्यों नहीं है? गुण व्रत क्यों नहीं है? ब्रह्मचर्य आदि प्रतिमाएं क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? परिग्रह त्याग क्यों नहीं है? बताओ, मैं आरिका क्यों नहीं हूं? आप मुनि क्यों नहीं हो? उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है हम सबके कि इतना भी त्याग ही नहीं करने देता? किंचित भी त्याग के ऊपर आवरण डाल रखा है, अप्रत्याख्यानावरण। जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चलता है, अनंत अनुबंधी का नाश भी हो जाए तो भी ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि रहता है। यानी कि जैसे चक्रवर्ती है, अप्रत्याख्यानावरण के रहते हुए अनंतानुबंधी के जाने के बाद कितने भोग हो सकते हैं? आपको ख्याल आ रहा है? नहीं आ रहा है? अनंतानुबंधी गई यानी कि सम्यक दर्शन हो गया। अप्रत्याख्यानावरण है यानी कि बिल्कुल भी आप में आचरण में कुछ नजर नहीं आएगा, कोई भी त्याग व्रत संयम कुछ नजर नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में तीव्रता क्या, उत्कृष्टता क्या हो सकती है? कितने ज्यादा भोग हो सकते हैं सम्यक दृष्टि को अप्रत्याख्यानावरण के उदय में? चक्रवर्ती जैसे भोग हो सकते हैं। सिर्फ चक्रवर्ती जैसे ही भोग क्यों? सर्वार सिद्धि जैसे भोग हो सकते हैं, भोग भूमिया जीव जैसे भोग हो सकते हैं। आपको ख्याल आ रही है ये बात की? नहीं आ रही है ख्याल? आई डोंट नो हाउ मच यू आर कनेक्टिंग विद दिस, शुड आई गिव यू मोर बैकग्राउंड? चक्रवर्ती जितनी 96,000 रानियां रख सकता है सम्यक दृष्टि, उत्कृष्ट पने बता रही हूँ। उत्कृष्ट पने मतलब मैक्सिमम हाउ मेनी भोग कैन ही हैव। तो अनंतानुबंधी जाए तो भी इतना भी संयम इसके जीवन में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। आप क्यों मेरे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है? हाँ चल रहा है, अनंतानुबंधी भी चल रहा है, अप्रत्याख्यानावरण भी चल रहा है, सब चल रहे हैं एक साथ। अब अप्रत्याख्यानावरण जाता है तो क्या आता है? अप्रत्याख्यानावरण जाता है तो थोड़ा सा संयम हमारे जीवन में पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक का आ जाता है। अब वो मुनि क्यों नहीं बन पा रहा है? Why is he still a श्रावक? अणुव्रत क्यों लिया अभी तक? महाव्रत क्यों नहीं ले पा रहा है अभी भी? What is the problem? What is stopping him? Which कषाय? प्रत्याख्यानावरण means पूर्ण त्याग, महाव्रत। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चलता है तो ये मुनि नहीं बन सकता है, लेकिन ये थोड़े बहुत व्रत ले सकता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय जाती है तो ये मुनि बन जाता है, साधु बन जाता है, पूर्ण परिग्रह का त्याग कर लेता है, महाव्रत धारण कर लेता है। तो कौन सी तीन कषाय? चौकड़ियां बोलते हैं। तो क्यों चौकड़ियां बोलते हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, बहुत लंबा हो गया ना, तो मैंने क्या बोला? अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ सब एक साथ उस क्वालिटी की जाती है। अब जो लास्ट में है कौन सी है? संजुलन। मुनियों के जब संजुलन कषाय का तीव्र उदय चलता है तो उनका आत्मलीनता नहीं हो पाती है। यानी कि वो समझो आहार करेंगे, विहार करेंगे, उपदेश देंगे, पुस्तक लिखेंगे, ये सब जो क्रियाएं हैं वो उनके संजुलन कषाय के तीव्र उदय में होती है। तीव्र कषाय में होते हैं मुनिराज, इसलिए ये सब क्रियाएं होती हैं। तो कौन सी कषाय की तीव्रता, कौन सी कषाय की तीव्रता है मुनिराजों को? संचुलन कषाय की तीव्रता है। क्योंकि अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीनों के चतुष्कों का तो अभाव हो गया। और जब संजुलन की, संज्वलन यानी कि सम्यक रूप से भी जो ज्वलित है, यानी कि है अभी जिंदा है, चल रहा है, अभी भी ज्वलित है, तो ये कषाय जो है संजुलन, ये देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति इसलिए है क्योंकि इसके रहते हुए आत्मलीनता होती है, मोक्ष होता है। तो जब संजुलन का मंद उदय हो तो आत्मलीनता है, जब संजुलन का तीव्र उदय हो तो उपयोग बाहर है, और जब संजुलन का नाश हो जाए तो आप का मोक्ष अनंत बन जाते। तो अब मुझे जो दूसरी बात करनी थी, समय हमारा हो गया है, लास्ट सेंटेंस में खाली मैं ये कर रही हूं, फिर इसको और इलैबोरेट नेक्स्ट में करेंगे कि अनंत अनुबंधी कषाय में कृष्ण से लेके शुक्ल लेश्या हो सकती है?
और संजुलन कषाय के उदय में, यानी हमारे मुनियों में भी एक सर्टेन कैटेगरी के मुनिराज होते हैं, उनके भेद होते हैं जो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, पुलाक आदि मुनिराज होते हैं, तो उनमें भी कृष्ण अलेशिया भी हो सकती है। आपको बात ख्याल आ रही है जो मैं बता रही हूँ? अलार्मिंग बात, क्वेश्चन आपके जगना चाहिए इसकी वजह से दिमाग में। कृष्ण अलेशिया संजुलन कषाय में भी हो सकती है, शुक्ल अलेशिया अनंतानुबंधी कषाय में भी हो सकती है। यानी कि कृष्ण और लेशिया है जो ऊपर से नीचे है, These are not the reason to cherish. ये इन चारों में से कहीं भी हो सकते हैं। मेन संसार मोक्ष मार्ग में जो हमको प्रयोजन भूत है वो है अनंतानुबंधी आदि चार कषाय। That is what we should aim to get over with. तो ये बात मुझे आपको यहाँ बतानी थी। इस बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कषाय की तीव्रता होगी, कषाय की तीव्रता तो फिर ममता में भी हो सकती है, शुभ रूप से भी हो सकती है, अशुभ रूप से भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। यानी जो पेड़ काटता है तो संयोजन वाला है कि नहीं, पेड़ ही तो नहीं काट रहे हैं ना हर केस में, सिर्फ हिंसक रूप ही नहीं। मान कषाय की तीव्रता हो सकती है, लोभ कषाय की तीव्रता हो सकती है, जैन धर्म के प्रति तीव्रता हो सकती है ना, लोभ हो गया। सारे हिंसक रूप जो मैंने आपको बताया वो क्रोध का रूप था, किसी के प्रति से दूसरे प्रकार के भी हो सकते हैं, लोभ रूप के भी हो सकते हैं। लेशिया एंड लेशिया ही बोल रही हूँ, संजुलन में तीव्र लेशिया हो सकती है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो अपना ये रक्षाबंधन की कथा में शुद्ध सागर मुनिराज थे, उनके कषाय की तीव्रता में ही तो हमने बहस करी ना, ममता में थोड़ी कोई बहस करता है, तीव्रता हो गई लेशिया की तीव्रता, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो गए थे, वो अव्रति नहीं हो गए थे, उनका गुणस्थान नहीं गिरा था, संजुलन कषाय में ही चल रहा था ऊपर नीचे, लेकिन इतना ऊपर नीचे हो गया उनके। कभी वेदना के कारण भी हो सकता है। अब मैं ये सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए नहीं ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करती हूँ, लेकिन जो तेजस विद्धि होती है ना वो सम्यक दृष्टियों की ही होती है, और जो अशुभ तेजस निकलता है शरीर, आप समझ लो मैं कौन से की बात कर रही हूँ, दीपायन मुनि के टाइम में जो हुआ था, अशुभ तेजस शरीर निकलता है क्रोध के वशीभूत होकर भी, मैं क्रोध की भी बात कर रही हूँ, जो जाके सबको नष्ट करता है और फिर खुद को नष्ट करता है। कृष्ण लेशिया के बिना हो गया था क्या ऐसा? उनके नॉर्मली नहीं होता है, ऐसा मत समझना कि मुनिराज ऐसे बहुत तेवर वाले दिखे, मतलब कृष्ण लेशिया वाले हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, ऐसे एकाधिका स्पर आता है बीच में, लेशिया कभी भी टिकी नहीं रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, उनके स्पर आता है, उसका एक हाई आता है बीच में, लेकिन आसक्तता है वाली बात है सिर्फ, राइट? और करेंगे इसके ऊपर चर्चा, ठीक। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ
कि मैंने अगले पेज तक का पूरा बता दिया है, हाफ तक जो भी इसमें मैटर आया है, तो आप लोग रीड कर लीजिए। Thank you.